दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी समस्या को लेकर के कमेंट्स करते हैं। देखिए उसी प्रकार के कमेंट्स जो मैं कॉमन रूप से देखता हूं उन पर मैं वीडियोस बनाता हूं। और एक जो कमेंट है वो कॉमन था बच्चेदानी में इन्फेक्शन का। कई जो व्यूअर्स हैं वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो फीमेल डॉग है उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, हुआ हुआ है या रहता है, ऐसी समस्याएं अक्सर आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। दो चीज़ें, मात्र दो चीज़ें देनी है जिनमें एक घरेलू है, एक आपको मार्केट से लानी है जो कि हर जगह उपलब्ध हो जाती है। ऐसी कोई भी दवा मैं नहीं बताता हूँ जो आपके क्षेत्र में नहीं मिलती हो। देखिए नंबर वन, आपको जो काम करना है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना रहेगा नंबर वन हल्दी। हल्दी से आप सभी परिचित हैं, हमारी रसोई की शान होती है हल्दी। तो हमें मात्र दो तीन चुटकी हल्दी लेनी है, यानी दो तीन ग्राम आपको हल्दी लेनी है, थोड़ी सी, ठीक है। दो ग्राम हल्दी आप ले लीजिए पर डे के हिसाब से। दो ग्राम हल्दी आपको अपनी फीमेल डॉग को कंटिन्यूसली देते रहना है। जो भी आप उसे फीड दे रहे हैं, जो भी खाना दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उसी में आप मिला दीजिए। कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमें एक चम्मच, मात्र एक चम्मच जो सिरप आती है जिसका नाम है M2Tone। क्या नाम है? M2Tone। ये सिरप जो है मात्र एक चम्मच रोज की देनी है। एक चम्मच ये सिरप दीजिए और दो चुटकी हल्दी मिला दीजिए, फिर देखिएगा दो ग्राम हल्दी इतना अच्छा फायदा करेगी इस M2Tone के साथ मिलकर के कि बच्चेदानी के संपूर्ण इन्फेक्शन को ठीक कर देगी। उसके बाद जब भी आपकी फीमेल डॉग हीट में आएगी, श्योर कंसीव करेगी।